मतलब क्या कि बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन्ड है। जैसे मैं बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसकी डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे पहला एग्जांपल मैंने, तुमने लेक्चर्स पढ़ा होगा तो उसमें भी तुमने देखा होगा, एग्जांपल मैंने लिया जैसे इक्विलिब्रियम नेचर में कैसे मेंटेन होता है। हमने सोडा वाटर बॉटल लिया, उसमें हमने हायर हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे CO2 गैस को फिल किया। कुछ टाइम के बाद अगर तुम चेक करोगे ना, जैसे ही तुम कॉक ओपन कर दोगे, जैसे ही कॉक ओपन कर दोगे तो जो चीज तुमने जबरदस्ती की थी, जबरदस्ती प्रेशर हाई प्रेशर में फिल किया था, फिर ऊपर से कॉक लगा दिया, जैसे ही तुम कॉक ओपन करोगे गैस तेजी से बाहर निकलेगी। और तब तक निकलेगी जब तक बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है और अंदर गैस का जो प्रेशर है बॉटल के अंदर वो बराबर नहीं हो जाते, तब तक गैस जरूर निकलेगी। तो यही इक्विलिब्रियम है। लेकिन उस समय ना हमें लग रहा है ऐसा कि अब गैस बाहर नहीं निकल रही, लेकिन एक्चुअल में उस पॉइंट पे ना रिएक्शन रुकती नहीं है। जितनी स्पीड से CO2 गैस अंदर आ रही है बॉटल के, उतनी स्पीड से बाहर भी निकल रही है, समझे कि नहीं है। तो यही इक्विलिब्रियम है कि इक्विलिब्रियम में हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुकी है, बट रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैंने तो पढ़ाते समय बताया भी, कोई एग्जाम्पल जैसे ये कोई वेसल है, इसमें ये इसका इनलेट है, यहाँ पे इनलेट है और ये इधर आउटलेट है, यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर एंटर कर रहा है, यहाँ से अंदर एंटर कर रहा है। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? कॉन्स्टेंट। यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ये RF है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों क्या है? इक्वल। तो कंसंट्रेशन क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है ना इक्विलिब्रियम पे, जैसे कंसंट्रेशन, जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर या फिर कलर भी, या कलर, ये सब क्या हो जाते हैं? कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज या मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। और रेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इन दोनों को जरूर ध्यान रखना है। ये इक्विलिब्रियम की बात बताई मैंने आपसे ना, ये किसकी बात बताई है? इक्विलिब्रियम। अभी मैं एग्जाम्पल्स और लूंगा इसकी जो पेपर में पूछी जाती है, उसके उसके अकॉर्डिंग भी स्टडी करना है, पेपर के अकॉर्डिंग भी, कि पेपर में एग्जाम्पल्स कैसी आएंगी, सही ना। फिर अब टाइप्स इक्विलिब्रियम का मिनिमम बता दिया, एट विच प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कलर डज नॉट शो एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डज नॉट शो एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दीज प्रॉपर्टीज दे बिकम कॉन्स्टेंट, दे बिकम कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रियम। फिर इसमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, दो तरीके सर इक्विलिब्रिया पढ़े होंगे। हाँ बोलो। सर आपने जो ये वेसल वाला एग्जांपल लिया, आपने से मैं इसमें डिटरमाइन कैसे करा कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी और बैकवर्ड कौन सी है? ये तो मान लिया मैंने, तू उस पर ही मानता है कि ऊपर फॉरवर्ड है। ये मैंने कहा पानी जब आ रहा है हमारे पास, मिल रहा है पानी, ये फॉरवर्ड मान लिया और ये बैकवर्ड, ये मान सकते हो गर्व, किसी को भी मान लेते। ओके सर। हाँ इक्विलिब्रियम। फिर इक्विलिब्रियम जो है इसके टाइप्स, इक्विलिब्रियम के टाइप जैसे मैंने एक में डिवाइड किया इसको, होमोजीनस इक्विलिब्रिया, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया, ये सबने पढ़ा होगा। होमोजीनस इक्विलिब्रिया में फेज सेम होगा जैसे, और ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव कर सकते हैं इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कंप्लीशन की तरफ जाती है, उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये गैस, ये गैस, ये गैस। तो ये क्या है? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, बिकॉज रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट दे ऑल आर इन सेम फेज, ये क्या है? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। और बात करें अगर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया की, तो जैसे CO2+C, CO2 गैस है प्लस सी सॉलिड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, CaCO3, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है, 2CO बना गैस फॉर्म में, या CaCO3 सॉलिड है, ये कन्वर्ट हुआ CaO+CO2 के अंदर, ये हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है जिसमें फेज सेम नहीं है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, ये हेट्रोजीनियस की एग्जाम्पल है दोनों। होमोजीनियस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे H2+I2 गिव्स 2HI, 2SO2+O2 गिव्स 2SO3, 2HI, ये है। और ये हेबर्स प्रोसेस है, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, हेबर्स प्रोसेस, मैनुफेक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ये सब बताऊंगा आगे जाके, मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे ना, ये सब बताऊंगा मैं आगे। हेबर्स प्रोसेस है ये, 2SO2+O2 गिव्स 2SO3, V2O5 के प्रेजेंस में, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, यहाँ पे आयरन का प्रेजेंस होता है हेबर्स प्रोसेस। तो ये सारी बातें डिटेल में होंगी। अभी मैंने तुम्हें बताया होमोजेनियस इक्विलिब्रिया में फेज जो है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का सेम रहता है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया के अंदर फेज जो है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो डिफरेंट होगा, वो होमोजेनियस इक्विलिब्रिया होगा, ठीक है। होमोजेनियस में सेम फेज, हेटेरोजेनियस में डिफरेंट फेज होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद फिजिकल इक्विलिब्रिया और केमिकल इक्विलिब्रिया, फिर इसके बाद टर्म्स आती हैं फिजिकल इक्विलिब्रिया और केमिकल इक्विलिब्रिया।
केमिकल तो रिएक्शंस जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फेज चेंज वाला भी हो सकता है, एलोट्रोपिक चेंज भी हो सकता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में दो टाइप्स लेते हैं हम, फिजिकल इक्विलिब्रियम में दो टाइप देंगे, एक तो फेज चेंज वाले केस लेंगे जैसे आइस से वाटर, फेज चेंज होगा ये सेम टेम्परेचर पे होता है, आइस से वाटर, वाटर से एयर लेंगे बी, वाटर से वाटर वेपर, वाटर से वाटर वेपर, फिर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट प्लस वाटर डिसोल्यूशन, यानी सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, डिसोल्यूशन हो गया, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर डिसोल्यूशन हो गया फॉरवर्ड प्रोसेस, और रिवर्स प्रोसेस होगा तो उसे बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, फिजिकल इक्विलिब्रिया के एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल ये मैंने फेज चेंज के, फेज चेंज के, दूसरा एलोट्रोपिक चेंज, एलोट्रोपिक चेंज ये भी किसमें आता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, एलोट्रोपिक चेंज हुआ तो कौन सा इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में, फेज चेंज दे दिया ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, इस टाइप्स एलोट्रोपिक चेंजेस ये आएगा। ये सब टर्म्स तुम मन में बोलोगे तो जाके चैप्टर क्लियर होगा, मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुमने कर रखा है। एलोट्रोपिक चेंजेस जैसे रोम्बिक सल्फर है, एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं रोम्बिक के, 369 के बिलो ये स्टेबल होता है, ये कन्वर्ट हुआ S8 मोनोक्लिनिक के अंदर, ये हमारा एलोट्रोपिक चेंज है। या फिर P4 वाइट है, वाइट फॉस्फोरस जो कि बहुत रिएक्टिव होता है, ये कन्वर्ट हुआ हीट करने पर रेड फॉस्फोरस के अंदर, ये पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम है। या फिर और एग्जांपल कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ किसमें, डायमंड में, कार्बन कन्वर्ट हुआ डायमंड के अंदर। तो ये एलोट्रोपिक चेंजेस जो हो रहे हैं ये क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल वाले में तो कोई भी एग्जांपल तुम बोल दो केमिकल इक्विलिब्रियम में, जैसे N2+3H2+2NH3 हेबर्स प्रोसेस, 2SO2+O2+2SO3 ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, NH3+O2+NO+H2O ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है, आगे इसमें मैनुफैक्चरिंग होती है नाइट्रिक एसिड की, बहुत सारे प्रोसेस है उसके अंदर केमिकल के अंदर। अभी हमने देखा फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको, फिर देखते हैं आगे। जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ध्यान से समझना है इसको, इसमें मैंने तुम्हें जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल लेके बताया कि टैप से अंदर पानी आ रहा है और बाहर जा रहा है, जितनी स्पीड से पानी अंदर आ रहा है उतनी स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, तो लेवल जो है वाटर का सेम रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। लेवल को मैंने बोल दिया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, रेट लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, इक्वल है। तो ये एग्जाम्पल किसके है, ये किसका कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम का, ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। तो अब इसके अंदर जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोज मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से, फिजिकल इक्विलिब्रियम ध्यान से समझना बिल्कुल, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे से आइस से वाटर ले लो, आइस से वाटर या सॉलिड से लिक्विड, या फिर सॉलिड से लिक्विड ले लो, सॉलिड से लिक्विड, ये क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम। आइस से वाटर बन रहा है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन जो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने तुम्हें बताई थी वो क्या थी, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी सिस्टम का है, और टी डेल्टा एस भी जीरो होता है। टी डेल्टा एस किसका होता है, ये किसका होता है वेदांत, यूनिवर्स का, टोटल यूनिवर्स का, टी डेल्टा एस टोटल जीरो हो जाता है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, ये मेन कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, ध्यान रखना इस चीज, टी डेल्टा एस टोटल जीरो, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी जीरो और जी इक्विलिब्रियम पे मिनिमम, टी डेल्टा एस टोटल जीरो, एस मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, याद है ना कंडीशन, ये सब बताया हुआ है, ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आइस से वाटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आइस से वाटर बना रहे हैं। आइस से वाटर बनना ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, यानी सॉलिड से लिक्विड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड है तो फ्यूजन मैं बोल सकता हूँ उसको, और वाटर से आइस बन रहा है तो इसको मैं सॉलिडिफिकेशन बोल सकता हूँ, सॉलिडिफिकेशन है ना, फ्यूजन और सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड तो फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन। तो इसमें फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, बैकवर्ड प्रोसेस क्या है, ये तुम्हें समझ आ गया यहाँ पे। अब इसका अगर मैं कहूँ कि इसको कर्व के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले ना, मैं कर्व से रिप्रेजेंट करने के से पहले
एक चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम देखते हैं कि कौन आंसर सही देता है, जिसने पढ़ा होगा वो आंसर सही देगा। इक्विलिब्रियम पे बताना कौन सा कर्व सही है, ए बी सी और ये डी, कौन सा कर्व सही है। पहला केस कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कौन सा सही है तुम्हें ये बताना है। पहला लेते हैं केस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, है ना, ये ले लिया मैंने, ये लिया केस, दूसरा ये लिया, इसमें मैं मार्क भी कर देता हूँ, इसमें सपोज ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ये भी, तीसरा केस ले रहा हूँ मैं, इसमें तीसरा केस लेते हैं इस तरीके से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर गिव्स पी रिएक्शन हो रही है, सपोज ये केस ले रही है तीसरा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, फोर्थ केस ले लेते हैं इसमें, ये तो बता रहे हैं इनमें से चारों ग्राफ में से कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे आंसर ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं। ए बी सी करेक्ट है, चलो ए बी सी सबका आंसर यही है, जिस जिसने आंसर एक बार ए बी सी दिया है, ए बी सी जिसने दिया हैंड रेज कर देंगे जल्दी से, जिसने ए बी सी बोला है वो हैंड रेज कर देंगे। शिखा का आंसर, शिखा, छवि, प्रिया, आदित्य, गर्व, अंशिता, निशी, बॉबी, मयंक, आर्यमन, साक्षी, हर्ष, ए बी सी करेक्ट है। ये है लेक्चर्स में क्वेश्चन क्या इस टाइप का? यस सर। चलो है, अच्छा गर्व, यस सर, गर्व तेरे अभी एग्जाम नहीं चल रहे बोर्ड के क्या, 10th क्लास के? सर खत्म हुए जस्ट अभी। अच्छा खत्म हो गए, सबके खत्म हो गए अब? हाँ सर। अच्छा सही है, चलो चल गर्व ये लेक्चर ढंग से अटेंड करियो, उनके इक्विलिब्रियम ढंग से करियो चैप्टर इस साल। ओके सर। चलो ये सबको समझ आ गया, हाँ बाकी वेदांत आंसर नहीं, आंसर क्या है इसका वेदांत? यस सर, एबीसी है। सही है, और बाकी निकाला नहीं किसी ने? उज्जवल, सिद्धि, रितिका, युविका, आंसर इसका सबको पता होना चाहिए, आंसर इज एबीसी। कंसंट्रेशन मैंने तुम्हें बोला था इक्विलिब्रियम पे हो जाए कॉन्स्टेंट, मैंने तुम्हें बोला था ना इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, तो इसमें देखा तुमने कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, बिल्कुल सही है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। इसमें देखा तुमने तो कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे कॉन्स्टेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो गया ना आगे जाकर, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो रहा है तो ये सही है कर्व, इसमें कॉन्स्टेंट नहीं हो रहा, इसमें देखो इसमें ये खत्म हो गया, जीरो हो गया, इसमें क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और फर्स्ट केस में कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट तो हो ही रहा है ना, ये और ये, चाहे वो एक कोइंसिडेंस है कि कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, बट दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये एक हो सकता है ना ऐसा कि कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट भी हो गया और इक्वल भी हो गया। इसमें मैंने बोला अगर ये 10 मोलर है और ये 8 मोलर है तो कॉन्स्टेंट ही ना, ऐसे इधर मान लिया मैंने ये 12 मोलर है और ये 8 मोलर है तो है तो कॉन्स्टेंट ही 8 मोलर ही, तो इसलिए इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके अंदर, समझ गए कि नहीं? तो ए बी एंड सी दे ऑल आर करेक्ट, क्लियर, ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, तो ये तुम्हें समझ आ गया एक पॉइंट। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिया मैंने, सेम चीज है, ध्यान देंगे सेम चीज है, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? ये अच्छा इसमें एक चीज बताएंगे, क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ध्यान में कई बार पूछते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना चीज का, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कितना टाइम एक्सपेंड करेगी बताओ जरा, मिनिमम टाइम की मैक्सिमम टाइम इक्विलिब्रियम पे? रिएक्शन कितना टाइम एक्सपेंड करेगी? मैक्सिमम टाइम, ये याद रखना इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन है मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती है, सही ना? तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मत मार्क कर देना, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है।
अच्छा अब मैं इसी ग्राफ को ना थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे हुए हैं ऐसे ग्राफ्स। जैसे मैंने दिया तुम्हें तीन ग्राफ दे रखे हैं तुम्हें, यहाँ पे ना कंसंट्रेशन की जगह रेट कर दो, कंसंट्रेशन की जगह रेट लिख दो, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। अब इसमें मैंने ये चार ग्राफ दे दिए, आर एफ आर बी, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट। अब तुम बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है सर? ए एंड डी। ए एंड, ए एंड डी, बिल्कुल सही है, ए और डी करेक्ट है, ए और डी। हमें अब रेट को देखना है तो क्या करेंगे, कंसेंट रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो रेट इक्वल कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ऐसे ही रेट इक्वल कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो ए और डी करेक्ट है। ये कर्व्स पढ़ने आ गए कि नहीं? रेट सर, सी वाले में तो एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, उस रेट, हाँ इक्वल आ रहा है उस पॉइंट पे, ऐसे ही नहीं जो हमेशा इक्वल ही चले आगे भी जाकर, समझ गया कर्व? ओके सर। तो इसमें ए और डी है, और ये ध्यान रखना चीज का, रेट होना चाहिए इक्वल और कंसंट्रेशन होना चाहिए कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट और रेट इक्वल होना चाहिए, तो उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे एक डिस्कस कर रहा था तुम्हारे साथ, आइस से वाटर बन रहा है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, पहला इक्विलिब्रियम, ध्यान देंगे, आइस से वाटर या सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर या सॉलिड से लिक्विड। आइस से वाटर बन रहा है तो फ्यूजन कह सकते हैं इसको, और वाटर से आइस है तो सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन, आइस से वाटर फ्यूजन, और ये होगा हमारा क्लोज वेसल के अंदर, ये क्लोज वेसल है, जैसे ये नीचे पहले पूरा आइस आइस थी, फिर इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे लिक्विड आ गया, यहाँ नीचे सॉलिड है आइस, नीचे आइस है। अब इस केस में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम का कर्व है रेट का, कैसे रिप्रेजेंट होगा, रेट वर्सेस टाइम का कर्व, रेट वर्सेस टाइम का कर्व। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट टाइम के साथ साथ क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट टाइम के साथ साथ क्या करेगा, देखो पहले मैक्सिमम ये डिक्रीज कर रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन होती जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इनिशियली क्या था, जीरो, इनिशियली जीरो था बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, अब ये टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, ये रेट, इसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं या रेट ऑफ फ्यूजन कह रहा हूं मैं, आप और क्लियर होना चाहिए, रेट ऑफ फ्यूजन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है तो रेट ऑफ ये क्या आ जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, या फिर सॉल्ट वगैरह है तो क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते, सॉलिडिफिकेशन। ये फिजिकल के बेस्ट एग्जांपल्स हैं, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, ऐसी अगर वाटर से वाटर वेपर पहला एग्जांपल था ये, फिर वाटर से वाटर वेपर, अगर है वाटर से वाटर वेपर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है तो वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन, और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, कंडेंसेशन, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में तुमको पता है कि वाटर से वाटर वेपर बनेगा, वाटर से वाटर वेपर मैक्सिमम तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वेपर्स कंडेंस होंगे और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ये भी कहाँ होगा, क्लोज वेसल के अंदर, क्लोज वेसल नहीं होगा तो वेपर्स तो एस्केप कर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, ये वाटर है, ये इधर इसकी वेपर्स, ये वेपर्स है, ये वेपर्स, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वाटर से वाटर वेपर बनेगा मैक्सिमम अमाउंट में, उसके बाद कंडेंस होकर के वेपर्स नीचे आ जाएंगे, इसका रेट वर्सेस टाइम का कर्व कैसा बन जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज करेगा, पहले मैक्सिमम है ये आरएफ, आरएफ क्या है, रेट ऑफ वेपराइजेशन, आरएफ क्या है, रेट ऑफ वेपराइजेशन, और आरबी क्या है, रेट ऑफ, ये बैकवर्ड रिएक्शन है वैसे तो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ क्या होगा, कंडेंसेशन, ये है रेट ऑफ वेपराइजेशन,
और आरबी है रेट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों कर्व समझ आ गए कि नहीं? ये थर्ड एग्जांपल भी लेते हैं, थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे इसमें सॉल्ट को डिजोल्व किया मैंने वाटर के अंदर, थर्ड एग्जांपल सॉल्ट को डिजोल्व किया वाटर के अंदर, तो ये डिजोल्व हो गई, यानी फॉरवर्ड जो प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन, बैकवर्ड को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, और हीट देनी पड़ती है इस केस में, प्लस हीट कह लो इधर, या फिर इसको मैं सिंपल वर्ड में बोलूं जैसे NaCl सॉलिड था पहले, नमक को डिजोल्व किया, NaCl सॉलिड था, इसको मैंने डिजोल्व किया एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये आ गया Na प्लस एक्वस फॉर्म में, Cl माइनस भी आ गए एक्वस फॉर्म, Cl माइनस भी किस फॉर्म में आ गए एक्वस फॉर्म में, इस तरह से और सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो इसमें सॉल्ट का डिसोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं, सॉल्ट का डिसोल्यूशन यानी जैसे ये ऐसे सोचो तुम, ये पानी है, पानी में नमक डाल रहे हैं, ऊपर से नमक डालेंगे स्टार्टिंग में, तो नमक डिजोल्व होती जाएगी, ऊपर से नमक डाल रहे हैं, नमक डिजोल्व होती जाएगी, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि अब नमक डिजोल्व पानी के अंदर नहीं होगी और वो जाकर नीचे बैठ जाएगी, इस तरीके से। तो इसमें एक्चुअल में हमें लग रहा है कि नमक जाके नीचे बैठ गई है, लेकिन हो क्या रहा है कि जितनी स्पीड से NaCl डिजोल्व हो रहा है पानी के अंदर, उतनी स्पीड से Na जो डिजोल्व हो चुका है, जितनी स्पीड से ये जो है क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी बना रहा है। फॉरवर्ड प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहेंगे, बैकवर्ड प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। फॉरवर्ड प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन, और बैकवर्ड में जा रहे हैं तो क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब समझना इसका, मैंने नमक को डिजोल्व करना स्टार्ट किया पानी के अंदर, तो नमक डिजोल्व हो जाएगा स्टार्टिंग में, स्टर करते जाएंगे और डिजोल्व होता जाएगा, लेकिन एक इंस्टेंट ऐसा आएगा डेट नो मोर सोल्यूट, नो मोर NaCl कैन बी डिजोल्व। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो नमक डिजोल्व हुआ पड़ा था वो कन्वर्ट होगा प्रेसिपिटेट में इक्विलिब्रियम पे, और जो अनडिजोल्व्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो ये प्रोसेस दोनों होते जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, और दोनों का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, जितने पार्टिकल्स नमक के थे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उतने ही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो डिजोल्व हो रहे हैं, दूसरे आके प्रेसिपिट बन रहे हैं, ये प्रोसेस होता है इक्विलिब्रियम पे। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो उसका कर्व अगर बनाना चाहे तो ये बन जाएगा रेट वर्सेस टाइम का। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ये क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, और बैकवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड का टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ती है, और फॉरवर्ड की स्पीड टाइम के साथ साथ क्या होती है, कम होती है। फॉरवर्ड की स्पीड कम होती है टाइम के साथ साथ, समझिए कि नहीं है। तो ये तीन चार मैंने ग्राफ सब में क्या दिखाया, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड टाइम के साथ साथ कम हो रही है, बैकवर्ड की स्पीड टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसी को डाउट है कोई, यहाँ पे ये ना प्रोसेस दिखाया Na प्लस एक्वस और Cl माइनस जो एक्वस बना, जितनी स्पीड से NaCl सॉलिड वाला इनमें कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से ये दोनों जाकर प्रेसिड भी बना रहे हैं NaCl सॉलिड, उतनी स्पीड से NaCl सॉलिड जो है प्रेसिड भी बन रहा है, ये हमारा बैकवर्ड प्रोसेस। उतनी स्पीड से क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है या सॉलिडिफिकेशन भी हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन या सॉलिडिफिकेशन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझ गए कि नहीं। और ऐसे अगर मैं तुम्हें इस चीज को शो करना चाहूँ ना केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे अचीव करेंगे, जैसे मान लो इसमें लेते हैं, ये तीन मैंने एग्जांपल दिए फिजिकल इक्विलिब्रियम का, कौन कौन से, एक तो जैसे लिया मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा लिया वाटर से वाटर वेपर, और तीसरा लिया मैंने क्या, सॉल्ट का डिसोल्यूशन, अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें लेते हैं हम जैसे मान लो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से रेड, रिएक्टेंट को ले लेते हैं रेड कलर का,
और प्रोडक्ट को ले लेते हैं, से इसको ले लेते हैं हम ग्रीन कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर, है ना, रेड ले लिया और ग्रीन ले लिया। तो अब अगर तुम इसको इसको शो करना चाहोगे ना, तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा तुम्हारे पास, रेड कलर होगा सारा। यस सर, स्टार्टिंग में सारा क्या होगा, रेड कलर जो रिएक्टेंट है, रेड कलर ही होगा। उसके बाद टाइम के साथ साथ क्या होगा, रेड कलर से क्या बनेगा, बीच में ये तुम्हारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, बीच में क्या होगा, एक मिनट, अब क्या आएगा इसमें, रेड कलर तो होगा लेकिन साथ में क्या होगा, कुछ ग्रीन कलर आ जाएगा कि नहीं, जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये इंटरमीडिएट स्टेट, नहीं समझ आ रही बात, ये आ गया। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, रेड कलर भी होगा और क्या होगा साथ में, ग्रीन कलर भी। और अब क्या होगा, अब कलर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, अब देर विल बी नो चेंज इन कलर, जितना रेड दिखेगा उतना ही तुम्हें ग्रीन दिखेगा। लेकिन हो रहा है इसमें भी, जितनी स्पीड से रेड जो है यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतनी स्पीड से ग्रीन रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हो ये भी रहा है, रिएक्शन रुकी नहीं है, इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक नेचर का, स्टैटिक नेचर का नहीं है। जितनी स्पीड से रेड ग्रीन में कलर कन्वर्ट हो रहा है, उतनी स्पीड से ग्रीन रेड में भी कन्वर्ट हो रहा है। समझ गए कि नहीं, ये नहीं क्लियर हुआ? तो इसका ग्राफ अगर बनाना, ये केमिकल रिएक्शन थी, ये कोई केमिकल रिएक्शन, तो इसमें रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअल में रेड से यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, रेड से ग्रीन। और बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसमें ग्रीन से क्या बन रहा है, रेड बन रहा है। और ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ गया कि नहीं, ये देखो समझ आ गया कि नहीं। यस सर, आ गया। तो ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं इसके अंदर, सिर्फ अभी किसकी एग्जांपल लिए, फिजिकल क्रिया की और केमिकल क्रिया की। टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता रहता है। और इक्विलिब्रियम पे कलर हो तो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ मैंने कलर से एग्जांपल लिया ताकि ढंग से समझ आ जाए, कलर से एग्जांपल लिया ताकि ये तुम्हें क्लियर हो जाए कि कलर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कंसनट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट, तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे, कंडीशन अगर चेंज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने आप ही, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम फिर क्या हो, इक्विलिब्रियम फिर से आ जाए। कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने आप। जैसे तुमने अगर इसकी तुमने जो यहाँ पे रिएक्टेंट था इसका अमाउंट बढ़ा दिया तो हो फिर रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इक्विलिब्रियम थोड़ा चेंज हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा अचीव हो जाएगा। अगर तुम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर देते हो तो प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, रिएक्टेंट में कुछ ऐड कर देते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। समझ गए कि नहीं? तो ये फिजिकल इक्विलिब्रिया और केमिकल इक्विलिब्रिया की मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, क्लियर हो गई सबको कि नहीं है? Yes, sir. अगर देखो पढ़ा होगा तुमने तो हो सकता है कुछ नई बातें भी मिली हो और कुछ पुरानी बातें जो इसमें मैंने बताई है तुम्हें वो भी पता लग गई हो। तो यहाँ पे अब हम पढ़ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो मैं तुम्हें अभी ज्वाइन करना है 2 मिनट के अंदर, मैं अगले लेक्चर में बता रहा हूँ तुम्हें, एक बार रीजॉइन कर लेंगे।